वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऑफ मारुति फ्रॉन्क्स। जैसा कि आप जानते हैं, कल ही इस गाड़ी के प्राइस रिलीज हो चुके हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, इसका प्राइस 7.46 लाख से 13.30 लाख तक जाता है, यानी कि 13.13 लाख। एंड इस गाड़ी में आपको टू इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक 1.2 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन एंड एक 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। आज मैं इस वीडियो में आपको इन दोनों मॉडल्स यानी कि टर्बो एंड नॉर्मल का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में बताऊंगा। सो मेरी वीडियो के साथ बने रहें ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाएं। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय राइड कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो यहाँ पर करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं मारुति फ्रॉन्क्स 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन के सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। सो 1.2 लीटर वाली फ्रॉन्क्स में आपको टोटल 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, एक सिग्मा सबसे बेस, उसके ऊपर डेल्टा, फिर डेल्टा प्लस। अगर मैं सिग्मा की बात करूँ, वो मारुति फ्रॉन्क्स का सबसे बेस वेरिएंट है, जिसमें आपको बाहर से ब्लैक डोर हैंडल्स, ब्लैक ORVMs एंड फ्रंट में आपको उसके DRLs भी नहीं देखने को मिलेंगे, ना तो इस गाड़ी में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। एंड बैक में आपको नॉन कनेक्टेड टेल लैंप्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि बीच वाला पार्ट ग्लो नहीं करेगा। एंड इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर में आपको इस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं देखने को मिलेगा। सो अगर आपका बजट काफ़ी टाइट है, आप सिग्मा वेरिएंट ले सकते हैं एंड इसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, यानी कि न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड अगर आप अलॉय व्हील्स चाहते हैं। एंड अगर आपका बजट थोड़ा और ज़्यादा है, आप डेल्टा या डेल्टा प्लस में कन्फ्यूज़ हैं, सो मैं आपको कह दूँ कि आप यहाँ डेल्टा प्लस लीजिए, क्योंकि डेल्टा प्लस में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं ओवर डेल्टा। जैसे कि डेल्टा प्लस में आपको फ्रंट में ट्रिपल LED हेडलैम्प्स, LED DRLs विद ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स फॉलो मी फंक्शन। एंड साइड लुक की बात करें, डेल्टा प्लस में आपको पेंटेड अलॉयस देखने को मिल जाएंगे, LED टेल लैंप तो देखने को मिलेगी पर वो कनेक्टेड नहीं होने वाली, ये इसका ड्रॉबैक है। बाकी आपको रियर वाइपर एंड वॉशर भी नहीं देखने को मिलेगा डेल्टा प्लस में। बाकी रूफ में आपको शार्क फिन एंटीना एंड रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर की बात करें, डेल्टा प्लस में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा विद मैनुअल IRVM, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले विद 4 स्पीकर्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री बट पुश स्टार्ट बटन नहीं देखने को मिलेगा, स्टेयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, पावर विंडोज मिल जाएंगी, ऑल एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएगा एंड रियर सीट आप फोल्ड भी कर पाएंगे 60-40 के स्प्लिट में। पर इस वेरिएंट में भी आपको, यानी कि 1.2 लीटर वाले के सबसे टॉप एंड वेरिएंट डेल्टा प्लस में भी आपको रियर कैमरा, रियर AC वेंट्स, हाइट एडजस्टेबल सीट, वायरलेस चार्जिंग, फ्रंट आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे। सो ये मारुति फ्रॉन्क्स का मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा कि जो इंसान 1.2 लीटर वाला नॉर्मल पेट्रोल इंजन लेना चाहता है उसको टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स ही नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर AC वेंट्स, इवन रियर कैमरा। सो अगर मारुति फ्रॉन्क्स अल्फा वेरिएंट भी 1.2 लीटर में आता वो ज़्यादा बढ़िया बात होती। सो अगर इन तीनों वेरिएंट्स के प्राइस के बारे में बात करें, जो सिग्मा का प्राइस है वो है 7.46 लाख, जो डेल्टा का प्राइस है वो है 8.32 लाख एंड डेल्टा प्लस का 8.72 लाख। एंड अगर आप डेल्टा प्लस एंड नॉर्मल डेल्टा का प्राइस डिफरेंस देखेंगे वो सिर्फ है 40,000। एंड डेल्टा प्लस में आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ट्रिपल LED हेडलैम्प्स विद DRLs एंड साइड में अलॉय व्हील्स। सो इन्हीं तीन फीचर में 40,000 कवर हो जाते हैं। सो यहाँ पे आपको डेफिनेटली डेल्टा प्लस लेना चाहिए ओवर डेल्टा। एंड अगर आपका बजट काफ़ी कम है, आप सिग्मा भी ले सकते हैं, सो आपको डेल्टा तो बिल्कुल भी नहीं लेना। सो ये बात कर ली हमने नॉर्मल 1.2 लीटर के सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। अब बात करते हैं मारुति फ्रॉन्क्स 1.0 लीटर के वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। सो बात करते हैं मारुति फ्रॉन्क्स के टर्बो वेरिएंट के डिफरेंट प्राइसेस के बारे में। तो जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं, ये आपको टोटल 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एक है डेल्टा प्लस, जिसका प्राइस है 9.72 लाख एंड ये सबसे बेस वेरिएंट है। इस वेरिएंट में भी आपको सेम फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आपको 1.2 लीटर वाली डेल्टा में देखने को मिलते हैं, बस इंजन का फर्क है। उसके साथ मिलेगा जीटा, जिसका प्राइस है 10.55 लाख एंड टॉप एंड वेरिएंट अल्फा, जिसका प्राइस है 11.47 लाख। अब बात करते हैं मारुति फ्रॉन्क्स टर्बो के सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। सो यहाँ पे अगर आपका बजट काफ़ी कम है, आप इसका सबसे बेस वेरिएंट ले सकते हैं, यानी कि डेल्टा प्लस, जिसमें आपको सेम फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आपको नॉर्मल 1.2 लीटर फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट में देखने को मिलते हैं, जो हमने पहले डिस्कस कर ली है। एंड अगर आप थोड़े बहुत और सेफ्टी फीचर्स चाहते हैं अपनी गाड़ी में, आप इसका
एक अपर वाला वेरिएंट ले सकते हैं यानी कि जीटा, जिसका प्राइस है 10.55 लाख। एंड अगर हम डिफरेंस की बात करें वो है 83,000। आपको 83,000 में 6 एयरबैग्स, रिवर्स कैमरा, इंजन पुश स्टार्ट बटन, आर्मरेस्ट, रियर कनेक्टेड, फुल एलईडी लाइट जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपको थोड़े और फीचर्स चाहिए जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेडअप डिस्प्ले, ऑटो IRVM, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, सो आप मारुति फ्रॉन्क्स का सबसे टॉप एंड वेरिएंट यानी कि अल्फा वेरिएंट ले सकते हैं, जो आपको सिर्फ 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में अवेलेबल है। सो ये बात कर ली हमने इसके सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। अगर आपका बजट कम है आप इसका सबसे बेस यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट लीजिए। एंड अगर आपको थोड़े और फीचर्स चाहिए आप जीटा एंड अल्फा वेरिएंट भी ले सकते हैं। जीटा का प्राइस है 10.55 लाख एंड अल्फा का 11.47 लाख। डिफरेंस है 92,000 इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में। सो ये बात कर ली हमने मारुति फ्रॉन्क्स 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के बारे में। अगर आपका बजट काफ़ी कम है आप इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट ले सकते हैं 1.0 लीटर इंजन के साथ। एंड अगर आपको थोड़े सेफ्टी फीचर्स चाहिए आप इसका जीटा वेरिएंट ले सकते हैं, जिसमें आपको 6 एयरबैग्स, पुश स्टार्ट बटन जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आपको टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स चाहिए आप इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट लीजिए, यानी कि जिसमें आपको 360 डिग्री कैमरा, हेडअप डिस्प्ले जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि मारुति फ्रॉन्क्स अल्फा वेरिएंट। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो को कंक्लूड। एंड जैसा कि आपने देखा डेल्टा प्लस ही है जो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है दोनों इंजन ऑप्शंस का, यानी कि 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई कर दूंगा। तो जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अब मैं फ्यूचर में भी इससे भी बढ़िया कंटेंट लाऊंगा। सो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।